तो डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेलवे ने ये पोस्टें निकाली हुई हैं जिसमें जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर की वैकेंसी निकली है, जिसमें आप सबसे पहले आपको फीस स्ट्रक्चर बता दें, क्योंकि कई स्टू कैंडिडेट्स का यही होता है कि फीस पहले बताई जाए। फीस जूनियर इंजीनियर के लिए सबके लिए ये 1000 है, 1000 है, और एग्जीक्यूट इंजीनियर के लिए 900 रुपया है, और जूनियर एग्जीक्यूट के लिए 700 रुपया है। ठीक है, SC ST या एक्स सर्विसमैन के लिए, कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है जी, और सारी की सारी फीस ऑनलाइन मोड में होगी, कोई भी फीस ऑफलाइन मोड में सबमिट नहीं होगी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको बता दें, 24 अप्रैल लास्ट डेट थी इसकी, 24 अप्रैल लास्ट डेट सी लास्ट डेट थी, और इसकी उसके बाद डेट को एक्सटेंड फिर किया गया था कोरोना के चक्कर में, 23 मई को, 23 मई से 23 जुलाई तक कर दी गई है, 23 जुलाई तक लास्ट डेट कर दी गई है। जो आप ये मैसेज पूरा पढ़ सकते हो, लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन फीस 23 जुलाई तक कर दी गई है, और सारे का सारा टेस्ट इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि जून को था पहले, जून 2021 को था, जो चेंज करके आप सितंबर अक्टूबर 2021 में कर दिया गया। और इसमें एज लिमिट जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 साल, एग्जीक्यूटिव के लिए 30 साल, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी 3 साल है, और रिलैक्सेशन आपको जो इसके नोटिफिकेशन में सारी बता दी जाएगी। जूनियर इंजीनियर के लिए देख सकते हो आप, ये पोस्ट कोड है और ये पोस्ट नेम है और ये टोटल पोस्टें हैं और ये क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है जी, और जूनियर इंजीनियर के लिए आपको 31 पोस्टें हैं, जिसमें बैचलर डिग्री सिविल की हो। जूनियर मैनेजर में 70 पोस्टें हैं, जिसमें 2 साल का MBA या PGDA का डिप्लोमा हो, ठीक है जी, डिग्री की हो। और उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैनेजर मैकेनिकल की 3 पोस्टें हैं, 3 पोस्टें हैं जिसमें मैकेनिकल का ही बैचलर डिग्री हो। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के लिए सिविल में 73 पोस्टें हैं। ठीक है जी, और 73 में ये आपको बता रखा है ना, 3-4 पोस्टों के लिए ये लगातार आप चेक कर सकते हो, ये 3-4 के लिए डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा, यानी कि एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए ये पोस्टें हैं, 42 और 87 पोस्टें हैं, और इनमें 3 साल का डिप्लोमा किया हो। और उसके बाद ऑपरेशन एंड BD एग्जीक्यूटिव के लिए 237 पोस्टें, सबसे ज़्यादा पोस्टें इसी में हैं। ठीक है, 237 पोस्टें इसमें भी ग्रेजुएशन मांगी है, और मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव में 3 पोस्टें, इसमें डिप्लोमा मांगा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो, डिप्लोमा है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 135 पोस्टें, और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 147 पोस्टें, और एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर एंड BD के लिए 225, मैकेनिकल के लिए 14 पोस्टें, और इसमें 10वीं हो विद ITI हो। ठीक है, अप्रेंटिसशिप की हो, रिलेटेड ट्रेड में जो कि आप कर रहे हो, जिसके लिए आपने पोस्ट करनी है, जैसे इलेक्ट्रिकल में ITI हो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एंड टेलीकम्युनिकेशन में ITI हो, ऑपरेशन एंड BD में ITI, या मैकेनिकल में ITI हो, 10वीं के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और आपको ऑफिशियल नोटिस पर ले चलते हैं, ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो, ये देख सकते हो, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट की ये सारा है रेलवे का, और इसमें आप यहाँ से देख सकते हो, 23 जुलाई 2021 से 23 जुलाई 2021 कर दी गई लास्ट डेट इसकी। ठीक है जी, लास्ट डेट 23 जुलाई कर दी गई है, और 23:45, यानी कि रात को लास्ट टाइम तक, 23 जुलाई के रात तक कर दी गई लास्ट डेट कर दी गई है। ठीक है जी, अब इसके ऑफिशियल नोटिस पे, नोटिफिकेशन पे चलते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है, इसमें आप देख सकते हो, ये एडवर्टाइज नंबर 4/2021 है, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन का। ठीक है जी, और इसमें आप ये देख सकते हो किसके लिए कौन कौन सी है, ये सारी आप चेक कर सकते हो इसमें, जैसे कि आपको शुरुआत में बता दें, सिविल के लिए, अदर के लिए 14 पोस्ट है, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 8,
एक्सेस सर्विसमैन के लिए 3, इसमें बैचलर डिग्री जो कि आपको पहले भी बता दी गई है। इस तरह कौन कौन सी पोस्टें किस किस में है, वैसे आपको पहले टोटल पोस्टों की बताई गई थी भी इतनी पोस्टें हैं, ये उसकी पूरी डिटेल है। टोटल 77 पोस्टें हैं कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे किस किस के लिए कितनी है वो सारा बताया है। जैसे अदर के लिए 34, SC के लिए 11, ST के लिए 5, OBC के लिए 20 पोस्टें, ठीक है जी। इस तरह हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग पूरा डिटेल है भी कौन कौन किस किस के लिए कितनी पोस्टें हैं। और जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए 42 पोस्टें हैं, अदर के लिए कितनी है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी कितनी है, सब कुछ बताया गया, ठीक है जी। यहाँ तक कि मेडिकल स्टैंडर्ड भी बताया गया, A2 और A3 कौन से स्टैंडर्ड का है, आपको आगे जाके पूरा बताते हैं किस किस में मेडिकल होगा किस किस में नहीं होगा, ठीक है। वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, ये पूरे का पूरा आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन है। कैंडिडेट के पास अपीयरिंग ना हो, अवेटिंग में रिजल्ट ना हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। कम से कम कैंडिडेट के पास डिग्री में 60% मार्क्स हों वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, 60% मार्क्स वाला, ठीक है। जिनके पास आपको बताया ITI है, ITI भी ओनली कंपल्शन है, डिप्लोमा बताया, डिग्री बताया, जहाँ पे डिप्लोमा वहाँ पे डिप्लोमा होगा। अगर डिप्लोमे की जगह आप ITI लगाओगे तो कंसिडर नहीं करेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर पेमेंट हो भी जाती है तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप ITI की जगह डिप्लोमा या डिग्री लगाते हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होएगा, ठीक है जी। और उसके बाद एज लिमिट आपको बता दें, जो कि शायद आपको पहले भी स्टार्टिंग में भी हमने बताई है एज लिमिट, ये आप देख सकते हो 18 से 27 साल। जूनियर मैनेजर के लिए है, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 23, 18 से 23 एग्जीक्यूटिव के लिए, ये पूरी इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दी गई है, ठीक है जी। आओ आप चलते हैं कौन कौन से लिए के लिए। एक सबसे बड़ी बात, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए, जो कि आप NOC के कह सकते हो, NOC चाहिए, ठीक है जी। ये आपको बता देते हैं जो पहले मैंने जिक्र किया था किस किस के लिए पोस्टें। जूनियर मैनेजर सिविल के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो यहाँ पे चेक का निशान है वो टेस्ट होगा। अगर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वहाँ पे क्रॉस है तो नहीं होगा सिविल के लिए, जूनियर मैनेजर के लिए नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इंटरव्यू होगा और मेडिकल होगा। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हो एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, बट एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सब में ही होगी और इंटरव्यू नहीं होगा इसमें एग्जीक्यूटिव में। और सबसे बात मेडिकल भी सब में ही होगा, मेडिकल भी सब में होगा, और एक सिर्फ ऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव BDO के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और किसी के लिए नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबकी होगी, मेडिकल सबका होगा, कंप्यूटर बेस्ड सबका होगा, बट ये जो एप्टीट्यूड है और इंटरव्यू है ये डिपेंड है मेन पे मैनेजर के लिए। तीनों मैनेजर ऑपरेशन एंड BD मैकेनिकल और सिविल, तीनों मैनेजर के इंटरव्यू भी होंगे, ठीक है जी। और आपको पूरे का पूरा बता दें, दो घंटे का ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये आप ऊपर भी देख सकते हो। मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बिहेव पर आपको ये पूरा एग्जाम होगा, इसमें 120 क्वेश्चन होंगे। इस तरह हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होंगे, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। कंप्यूटर बेस के लिए आप अगर क्वालिफाई होना चाहते हो तो अदर के लिए 40% मार्क्स जरूर कंपल्सन है, 30% SC OBC के लिए और 25% ST के लिए, ठीक है जी। ये पूरी आप चेक करके ही फॉर्म फिलअप करना है जी, ठीक है जी। पूरा आपको बताया गया डिटेल बेस्ड एप्टीट्यूड मैथ के लिए, जिसमें 40 मार्क्स लेने होंगे क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई करने के लिए SC BC ST अदर को सबको, ठीक है। इस तरह आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में कवरअप नहीं की जा सकती। अगर आपको और भी डिटेल ज़्यादा चाहिए तो इसकी डिस्क्रिप्शन में ये आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, वहाँ से आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जूनियर इंजीनियर सबके लिए 1000 है, ठीक है, SC ST को छोड़ के सबके लिए 1000 है, और OBC एंड सबके लिए एग्जीक्यूटिव 900 रुपये, और एग्जीक्यूटिव जूनियर इंजीनियर के लिए 700 रुपये फीस है, प्लस में बैंक GST का अलग है।
ठीक है, सारे का सारा ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन ही सबमिशन, कोई आपको ऑफलाइन नहीं देना, ठीक है जी। वो तो आपको सबको पता भी कौन कौन से कैंडिडेट को लिए, कैंडिडेट ने कोई भी कैलसी वगैरह, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई भी आपको सीबीटी टेस्ट में नहीं ले जाने दी जाएगी, ठीक है जी। अगर ज़्यादा जानकारी आप चाहते हो, ये जो आपको मैं दिख रहा है फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए, ठीक है, ये आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। OBC के लिए फॉर्मेट, ठीक है, इस तरह आपको सारे के सारे फॉर्मेट भी इसमें मिल जाएंगे। वहाँ से आप इनकम के लिए SST सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसी तरह डिसेबिलिटी का फॉर्म है, ये भी आप फिलअप करोगे, ठीक है जी। और ये मेडिकल के लिए, अथॉरिटी के लिए, ये आपको अगर फॉर्म फॉर्मेट भी चाहिए होगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको PDF में ये पूरे का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है जी। और मैं उम्मीद करता हूँ भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं क्लियर हुई, इसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से ये नोटिफिकेशन और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, एक्सटेंडेड डेट का डाउनलोड करके, या ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरा रीड कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक। ये ज़रूर देखें कहाँ किसके लिए BTEC मांगी है और उसमें एज कितनी है, ये ज़रूर देखें भी एज से एज देख ली, क्वालिफिकेशन देख ली, और परसेंटेज जरूर देखें फॉर्म फिलअप से पहले, क्योंकि फॉर्म फिलअप वही कर सकते हैं जिसकी 60% परसेंटेज हो, 60% डिग्री में परसेंटेज हो, वही बन कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करें, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगर इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी और भी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन हमारे से मिस ना कर सकें, ठीक है जी। थैंक यू, धन्यवाद।